नमस्ते सत श्री अकाल एंड आदाब, आप सबको संगीता का राम राम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल म्यूज बाय संगीता। तो नया दिन, नई चीज़ें, नई जगह एक्सप्लोर करने फिर जा रही हूँ। अभी मैं पुणे में ही हूँ। तो आज मैं सबसे आप सबने भी देखा होगा, मूवी में देखा होगा, बहुत लोगों ने रेल में देखा होगा, आज जा रहे हैं शनिवारवाड़ा, पुणे में है। बाजीराव मस्तानी मूवी तो याद ही होगी, तो उसमें इसका जिक्र है, इसकी हिस्ट्री है। वैसे पहले भी जानते थे लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर बीट। ये हम लोग आ गए हैं शनिवारवाड़ा, लेकिन अभी इसकी एंट्री आगे से है, देख सकते हो। तो हम वहाँ जा रहे हैं टुवर्ड्स शनिवारवाड़ा। ये रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ता है। Hey my YouTube family, आज हम आए हैं पुणे का दिल शनिवारवाड़ा में। ये जगह है तो ऐतिहासिक और मराठाओं का गौरव। ये वायरल हुआ और हर घर में लोग जानने लगे हैं, और ये हुआ है बॉलीवुड मूवी बाजीराव मस्तानी की वजह से। ये शनिवारवाड़ा जिसमें पेशवाओं की शान और विरासत छुपी हुई है। बाजीराव पेशवा इसमें रहते थे बचपन। ये किस चीज के लिए लाल महल? अच्छा, ये शिवाजी महाराज का बचपन है। ओके, पेशवा का उधर है। ओके, तो ये शिवाजी महाराज का बचपन यहीं बीता था, यहीं रहते थे 15-16 साल। ओके, ये उनका घर है शिवाजी महाराज का। तो आ चुके शनिवारवाड़ा, जिसे आप देख सकते हो 1730 में शनिवारवाड़ा बना था। ये है एंट्री गेट शनिवारवाड़ा का। इसके सराउंडिंग में काफी सारे टेंपल्स भी हैं। शनिवारवाड़ा का यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम कमाल का है। 1730s में बना था पर आज भी इंटैक्ट है। यहाँ घूमते घूमते आपको एक रॉयल फील आएगी। इस वाड़ा की हिस्ट्री के साथ साथ मिस्ट्री, जो कि स्केरी और हॉरर भी है, फेमस है। आप में से कितने लोगों ने सुनी है? लोगों का कहना है कि यहाँ नारायण राव पेशवा की रूह की आवाज आती है, काका माला बचावा, और रोने की भी आवाज आती है। थोड़ी क्रीपी है पर ये भी इसका एक हिस्सा है। ये बड़े बड़े फाउंटेन देखकर आप उनकी रात से ठाट बाट का अंदाजा लगा सकते हो। ये है गणपति रंग महल। ये जगह देखकर लगती है पेशवा साहब की दरबार होगी। यहीं पे पेशवाओं ने बहुत सारे बैटल की रणनीति और योजनाएं बनाई होंगी। हाय प्राची, सो हम लोग एक दूसरे का कर रहे हैं, पिक्चर भी क्लिक कर रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं। यस, ह्यूमिड ज्यादा हो गया है, अभी लग रहा है कि बारिश होगी बहुत तेज। काफी बड़ा था पेशवा का
के शनिवार वाड़ा। यार आपको ये शानदार शनिवार वाड़ा दिखा दिया जहाँ हर एक कॉर्नर से पेशवाओं के आन बान और शान की स्टोरी बयां हो रही है। तो अब हिस्ट्री होने के बाद चलते हैं मॉडर्न पुणे की तरफ। ब्रंच टाइम हो गया है और इतनी बड़ी शनिवार वाड़ा में घूमकर भूख भी बहुत ही तेज लग गई है। तो चलते हैं पुणे का फेमस और पुणे के लोगों का फेवरेट स्पॉट वैशाली रेस्टोरेंट। अगर ये जगह आपकी लिस्ट में नहीं है तो पुणे का ट्रिप अधूरा है। We are here for breakfast at Vaishali. Not exactly breakfast, brunch. You can say कि already 12 बज चुके हैं बट हम लोगों ने breakfast नहीं किया था। तो वैशाली आए हैं FC रोड पे और ये प्राची की पुरानी जगह है, उसकी memories बहुत सारी है, याद कर रही है, यहाँ पे बहुत आती थी। और you know, I mean ये FC रोड है। So just see, so we are going inside. Let's come with us. यो कितना रश है। ये तो बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा टाइम लगाता है कि डिसाइड ही नहीं कर पाता इसे खाना क्या है। क्यों पिज्जा मना कर लिया? अब नहीं खाओगे पापा पिज्जा? नहीं, वो कितना क्राउड है। देखो ये गरमा गरम डोसा क्रिस्पी और परफेक्ट सांभर के साथ, और ये इडली इतनी सॉफ्ट। तो अब हम लोग वैशाली से निकल कर जा रहे हैं। हमने ब्रंच कर लिया, बहुत कुछ खा लिया। देखा ही हमने डोसा भी खाया, इडली भी खाया, साबुदाना वड़ा भी खाया। अब हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और निकल कर कहाँ जाएंगे अभी कन्फर्म नहीं है। लंच के लिए बस घूम रही हूँ, घूमने आई हूँ। तो जो भी अच्छे अच्छे स्पॉट्स आएंगे हम वहाँ जाने वाले हैं। अब जा रहे हैं हम पार्किंग की तरफ नेक्स्ट जगह जाने के लिए। ये वो कॉलेज का गेट है जिसके नाम पे ये FC रोड का नाम पड़ा है। आई मीन इस रोड का नाम ही FC रोड हुआ है फर्गुसन कॉलेज के नाम पे। सो ये है वो कॉलेज का गेट। सोने ने मेरा दिल खुश कर दिया है कि मैं दुबली दिख रही हूँ, पतली दिख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि फट रही हूँ, मेरे चेहरे से दिख रहा है, मगर सोने ने मुझे बोल दिया कि मैं दुबली दिख रही हूँ। तो ये खुशी का क्या कहते हैं, ठिकाना नहीं है मेरा, है ना। किशन किशन लोगों ने बहुत खाया, मतलब डेली ऐसा ही हो रहा है। ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग। और ये सारा मैनेज करेंगे दिल्ली जा कर के, कॉम्पनसेट करेंगे। प्राची का तो बैलेंस रहता है, वो फास्ट ही इतना करती है कि उसका अगर थोड़ा भी, वैसे वो ओवर ईटिंग करते नहीं है। सीरियसली मैंने बहुत इटालियन, हम एक इटालियन बहुत अच्छा था। खाने के मामले में तो जब भी पूछो उससे अजवाइन, अरे वो तो फटाफट कह के मेन्यू निकाल करके दे देती है। हमारे पास इसी में हमारी बहुरानी बेस्ट एंड बेस्ट है, बगे किचन में काम करवाती है हमसे। हैप्पी टमी के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं लवासा के लिए। यार पुणे से लवासा तक का ड्राइव अपने आप में एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, और मॉनसून में ये एक्सपीरियंस लेवल अप हो जाता है। सो आप देख सकते हो मेरे सराउंडिंग्स में, कोई गेस कर सकते हो मैं कहाँ हूँ इस टाइम? वेल मैं लवासा आई हूँ। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो फॉग ही फॉग है। अभी पहुंची नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, ऑन द वे हूँ। और ये देख सकते हो पूरे रास्ते में कैसा फॉगी फॉगी हो रहा है, और फॉरेस्ट में क्या मेस्मराइजिंग व्यू है, ब्रेथ टेकिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो सूदिंग। सो मज़ा आ गया। बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ फॉगी फॉगी है, और हमारी पूरी टीम है सब। ए, सोनी भी आई है, प्राची भी है, आयुष तो गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, और राकेश इधर नहीं आएंगे। ये देखो, और जा हेलो आयुष,
तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाइक पे ही आते हैं, और ये ठंडी ठंडी ब्रीज हवाएं मेरी जुल्फों को बिखेर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बीच रास्ते में आपको ये व्यू भी दिखा दूँ, कैप्चर कर दूँ आप लोगों के लिए। हाँ क्या तो ये अभी हम लोग यहाँ से, यहाँ पे बस 5 मिनट का ब्रेक लिया था ताकि इस व्यू को कैप्चर कर सके। अभी पहुँचेंगे लवासा, फिर वहाँ का आपको कंप्लीट व्यू दिखाएंगे कैसा है। फॉर दैट यू हैव टू बी स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं। लवासा सिर्फ चिल करने के लिए नहीं, यहाँ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश हो रही है कि मैं ये सब चांस मिस कर रही हूँ। रूट्स वैसे ट्विस्टी और टर्निंग है कि आपको अपने ड्राइविंग स्किल्स को भी लेवल अप करना पड़ेगा। हील्स, ग्रीनरीज और ठंडी हवा, तेज बारिश एकदम रिफ्रेशिंग। पुणे से कुछ घंटे दूर और आप यूरोपियन वाइब्स ले सकते हो। गाइस देख सकते हो कि लाइक यू नो विजिबिलिटी कितनी कम है, जीरो विजिबिलिटी नहीं कह सकते हैं, बट यस ऑफ कोर्स 500 मीटर तक की विजिबिलिटी है। हम लोग जा रहे हैं तो अभी प्राची वो गाना याद आ रहा है ना, आती क्या खंडाला। लवासा में इवनिंग का टाइम स्पेक्टेकुलर होता है। लेक के आसपास गोल्डन आवर की लाइट और नेचर के बीच में ये शांति, बस परफेक्ट इन टू बिजी डे। सैडली मैं बोटिंग का भी मजा नहीं ले पाई हूँ। तो दोस्तों आज का दिन था एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, फूड और नेचर। पहले शनिवार वाड़ा का हिस्ट्री, फिर वैशाली का एपिक ब्रंच और ये लवासा का परफेक्ट चार्म। पुणे का सफर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, हिस्टोरिक साइट्स, आइकॉनिक फूड जॉइंट्स, ऐसी ब्यूटीफुल जगह जैसे लवासा। हे गाइस, तो अभी हम लोग लवासा से जा रहे हैं वापस। इतनी बारिश हो रही है फिर भी हम लोगों ने इस बारिश में बहुत मस्ती किया। हाँ बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लिक नहीं किया, कुछ रील्स बनाए, कुछ पिक्चर क्लिक किया, बट यहाँ पे भी हमने खाना खाया। खाने में बिजी थे और प्राची का अम्ब्रेला भी कोई चोरी करके ले गया। हम लोग के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, बट ठीक है। बट व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर स्टे करते हो तो दैट्स मच बेटर। और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे यू नो स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK रेंट पे मिल जाएगा। इट्स लाइक पर डे 3500 आप बहुत अच्छा जा रहे हो तो 4000-5000 ऐसे करने के लिए इसी रेंज में मिल जाएगा। और अगर आपको पार्टी करनी है, बड़ी सी पार्टी, तो वो भी रूफ टॉप पे मिल जाएगा। वाइट हाउस है तो उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है एंड दैट्स कॉस्ट अराउंड 50,000 सम अराउंड, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा उस टाइम वाटरफॉल। और आपको दिखाती हूँ अभी कितनी बारिश हो रही है। अब देखो इस बारिश में हम लोग तब से मज़े कर रहे थे लवासा में, अब वापस जा रहे हैं पुणे। तो रास्ते में मंचिंग के लिए प्रोबेबली हम लोग रुकेंगे, वैसे किसी के पेट में आई डोंट थिंक कि जगह है बची हुई, बट फिर भी हम लोग बहुत खा ही जा रहे हैं अपने पेट को। तो अभी मैंने ना डस्टबिन बना लिया है, बस कुछ भी है उसको डाले जा रहे हैं, तो क्योंकि इधर की चीज़ें। अब मोमोज बहुत अच्छा था, चिकन, हमने चिकन मोमोज खाया, बहुत अच्छा था, स्टीम में 3 प्लेट, तो 3 प्लेट मैंने अकेले थोड़ा ना खाया, नहीं मैंने 2-3 एक प्लेट पहले राकेश ने खाया, उसमें मैंने हाफ खाया, फिर एक और किया उसमें खाया, और एक तो ने अकेला खाया। हाँ और सोनी ने फ्रेंच फ्राइज खाई और प्राची ने तो सिर्फ कॉफ़ी। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत मज़े किए, लेकिन बस थोड़ा सा था बारिश, थोड़ी सी और कम होती ना तो और मज़ा आने वाला था। ये वेदर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आप अगर पुणे से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्टूडियो अपार्टमेंट हायर कर लो। कुक अवेलेबल नहीं होते हैं, बट आपको उसमें किचन मिल जाएगा। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, वैसे बाय द वे मैं हमेशा नॉनवेज की बात करती हूँ क्योंकि मैं फाउंडर ऑफ नॉनवेज का, तो वेजिटेरियन लोग जो भी देख रहे होंगे तो आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मैं नॉनवेज वाली बातें करती हूँ, मतलब नॉनवेज वाली बात नहीं, नॉनवेज खाने वाली बात। हाँ सो मैं क्लियर कर रही हूँ। तो आप लेकर आ सकते हो चिकन वगैरह मैरिनेट करके, ले आओ बाबे की मज़े से, लेक साइड पर बैठ के बाबे को लगाओ,
बॉटलें खोलो और मज़े करो। उसके लिए ये बहुत अच्छा जगह है, सुपर्ब है। महाराष्ट्र के लोग को तो पता ही होगा डेफिनेटली इसके बारे में, बट जो महाराष्ट्र के नहीं हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, स्पेशली ये ब्लॉग उनके लिए है कि कहीं भी आप जा रहे हो। क्योंकि हम लोग क्या होता है, दिल्ली वाले जनरली समर में उत्तराखंड जाते हैं, मतलब लाइक यू नो मनाली हो गया, ऋषिकेश हो गया, कश्मीर चले गए, बट ये जगह उससे भी अच्छी है बारिश के टाइम पे। वहाँ पे भी है, वहाँ बारिश नहीं होती है, दिल्ली में तो अभी भी बहुत गर्मी है। मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम जस्ट लविंग इट। तो आप ज़रूर आना और मेरे ब्लॉग के बारे में भी बता देना कि कैसा है, ये तो ज़रूरी बनता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज का मैं अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो डेफिनेटली मैं वो करूँगी, अदरवाइज मैं किधर है, अच्छा छोटा सा वाटरफॉल है वो दिखा नहीं सकती हूँ गाड़ी में, क्योंकि ग्लास अभी नीचे नहीं करूँगी, सारा पानी अंदर आ जाएगा। ऑलरेडी वो जिस अम्ब्रेला बंद करने के चक्कर में गाड़ी में भी पानी आ चुका है, वो खुद भी भीग चुका है, मैं भी थोड़ी सी गीली हो चुकी हूँ, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अगर रास्ते में कुछ अच्छी जगह मिली या मंचिंग के लिए हम लोग रुके, तो फिर से मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी, बातें करने आ जाऊँगी। बट अगर नहीं कुछ हुआ तो सीधे पुणे जा कर के आराम करूँगी और ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि आजकल वही हो रहा है, मैं और प्राची बैठ करके बालकनी में ब्लैक कॉफ़ी का मज़े लेते हैं, तो वो करेंगी। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, है ना? यस यस। आयुष बाय बोलो। बाय 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 बाय।